पटपरगंज औद्योगिक थाना व थाना मंडावली पुलिस ने ऑटो में सवारियों को बैठाकर लूटपाट करने वाले अलग अलग दो गिरोह का पर्दाफाश किया है। पहली वारदात पटपरगंज औद्योगिक थाना क्षेत्र की है। पटपरगंज औद्योगिक थाना क्षेत्र पुलिस ने ऑटो में सवारियों को बैठाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपितों की पहचान गाजियाबाद के लोनी निवासी राजा कुमार और संजू उर्फ सुधीर के रूप में हुई है। पुलिस ने इनकी एक महिला साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त प्रियंका कश्यप ने बताया कि 4 जून को संजय कुमार वर्मा ने लूट की शिकायत पुलिस को दी थी। पीड़ित ने बताया था कि वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव स्थित अपने गांव से दिल्ली आए थे। तड़के 3 बजे वैशाली बस स्टैंड पर उतरे और ख्याला के लिए ऑटो तलाशने लगे। उनके पास एक ऑटो आकर रुका जिसमें एक युवक और महिला बैठे हुए थे। पीड़ित भी उसी ऑटो में बैठ गए। सराय काले खां के पास पहुंचते ही बदमाशों ने युवक को पीटना शुरू कर दिया। महिला ने युवक की जेब से नकदी और पर्स निकाल लिया और युवक को फेंककर फरार हो गए। एसीपी अक्षत कौशल के नेतृत्व में बनी टीम ने 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर बदमाशों की पहचान की और लोनी से उन्हें दबोच लिया। दूसरी वारदात मंडावली थाना इलाके से है। मंडावली थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो महिला को ढाल बनाकर ऑटो में सवारियां बैठाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपितों की पहचान कबीर नगर निवासी वसीम व लोनी सलीम और सीमापुरी निवासी गीता के रूप में हुई है। जिला पुलिस उपायुक्त प्रियंका कश्यप ने बताया कि 1 जून को सरस्वती देवी बेटे और भतीजे के साथ उत्तर प्रदेश से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची। यहां से उन्होंने कल्याणपुरी जाने के लिए एक ऑटो लिया। रास्ते में ऑटो खराब हो गया। ऑटो चालक ने उन्हें पास में खड़े दूसरे ऑटो में बैठा दिया। उसमें पहले से चालक के अलावा एक महिला बैठी हुई थी, तो ये लोग भी उसमें बैठ गए। रास्ते में चालक ने ऑटो रोककर एक युवक को और बैठा लिया। जब ऑटो अक्षरधाम के पास पहुंचा, तीनों ने मिलकर पीड़िता से गहने, नकदी व अन्य सामान लूट लिया। महिला और उनके साथ वालों को ऑटो से उतारकर फरार हो गए। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस ने 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और कॉल रिकॉर्ड के जरिए बदमाशों को सीमापुरी इलाके से गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि वो अपनी साथी महिला को ऑटो में बैठाकर वारदात करते थे। पुलिस इनके साथी राहुल, कासिम, जावेद और कल्लू उर्फ बुड्ढा की तलाश में छापेमारी कर रही है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।